आज ऐसे शख्स से आपको परिचय करा रहे हैं जो हमारे एकेडमी में रह के आज भारतीय सेना में अपना कीमती टाइम दे रहे हैं। हमारे ये शख्स इसी ग्राउंड के, इसी एकेडमी के और इसी गांव के रहने वाले हैं। यह है अमर कुमार सिंह। ये हमारे खैरा जम्मू फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर के खैरा ग्राउंड से हैं और ये पिछले बार ज्वाइनिंग किए हैं आर्मी में और इनका ट्रेनिंग अभी ख़त्म हुआ है। जो छुट्टी मिला है तब हमारे बीच आज उपस्थित हैं। तो बताएं अमर जी, आप इस जगह ट्रेनिंग करने के बाद आपको अभी ट्रेनिंग में कैसा फीलिंग महसूस होता है? जो ट्रेनिंग एकेडमी है यहाँ पर, यहाँ की फिजिकल ट्रेनिंग जो करने के बाद वहाँ की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग में कोई अंतर नहीं है। ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा मुझे, क्योंकि यहाँ की ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। यहाँ का दौड़, यहाँ का फिजिकल स्टेमिना जो भी है सब अव्वल दर्जे का है। अभी आप कहाँ पे ज्वाइनिंग है, मतलब आप ट्रेनिंग कहाँ पे कर रहे थे? अभी हम सिकंदराबाद में हैं। सिकंदराबाद में आपका ट्रेनिंग चल रहा था? सिकंदराबाद में। कब तक आपका, कब आप ज्वाइन किए थे? ज्वाइन किए थे हम पिछले साल नवंबर में। पिछले साल नवंबर में रिजल्ट आया था और ज्वाइनिंग किए थे हम जनवरी में। नवंबर में आपका रिजल्ट आया था और जनवरी में आप ज्वाइन किए? ज्वाइन किए थे जनवरी में। अब जम्मू फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर में आप जब जुड़े थे तो उस समय आपका टाइमिंग कितना लग रहा था, और जब आप फिजिकल में गए तो उस समय आपका टाइम कितना लग रहा था? जब मैं जम्मू फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर में जुड़ा उस समय मेरा टाइम लगभग 6 के आसपास था और यहाँ पर टाइम 5-10 के अंदर हो गया था मेरा टाइम। आप देख सकते हैं ये आर्मी का बंदा आपको अपने जुबान से बता रहा है कि 5-10, मगर अगर आप 5-10, 5-20 के अंदर भी आप रनिंग करते हैं, अगर 320 का ट्रैक है तो आप 5-20 के अंदर भी रनिंग करते हैं तो आप आर्मी में क्वालिफाई कर सकते हैं। जरूर जरूर, ठीक है। और अगर आप 5 के आसपास हैं तो 100% रहिए, आप एक्सीलेंट दौड़िएगा। तो आप अपने तैयारी में ज़्यादा फोकस करें कि टाइमिंग कोशिश करें, अगर 5:20 में भी दौड़ रहे हैं या 5 मिनट में भी दौड़ रहे हैं तो टाइमिंग को ज़्यादा से ज़्यादा नीचे करने का, मतलब टाइमिंग को कम से कम करने का, जिससे आप एक्सीलेंट, गुड नहीं, एक्सीलेंट में आप क्वालिफाई करें। आप हमारे व्यूवर्स को क्या संदेश देंगे? जो भी इस ट्रेनिंग सेंटर से जुड़ा है और हमारे कोच अरुण भैया थे, उनके कहे अनुसार काम करो, जैसा बोले वैसा करो, आपका टाइमिंग जरूर टूटेगा, आप 5:20 के अंदर जरूर आओगे और आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। सर, तो आप सुन सकते हैं हमारे आर्मी सोल्जर से जो खुद 5:10 में रनिंग किए थे और आज आर्मी का वर्दी पहन के लौटे हैं। तो अगर आप आर्मी का तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका टाइमिंग नहीं टूट रहा है तो एक बार जम्मू फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर में जुड़े और अपना भविष्य सुनिश्चित करें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए। आज 1600 मीटर का रेस हुआ था, आज टाइमिंग लिया गया है। जो हमारे बच्चे आज बेस्ट टाइमिंग दिए हैं, जो आज बेस्ट टाइमर था 5:17, 5:20, 5:25, तीन बच्चा को आज हमारे नए सोल्जर अमर जी से उनको सम्मानित किया जाता है। चलो जी, मनीष, नीतीश, ये देखिए, ये लड़का 5:17 में अभी रनिंग करके आया है और इनका टाइमिंग 5:12 है। आज टाइमिंग ठंड के कारण थोड़ा टाइमिंग ज़्यादा लगा है,
और यही लड़का देखिए, ये लड़का 5:20 आज बेस्ट टाइमिंग दिया है, और ये देखिए ये लड़का 5:25 टाइमिंग आज किया, ये लड़का 5:22 में रनिंग कर चुका है, आज 5:25 टाइमिंग लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।